हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुहानी। आप एक ऐसे क्लासरूम को इमेजिन करें जहाँ पर टीचर सिर्फ लेक्चर देकर पढ़ाए, क्या आपको वो क्लासरूम अच्छी लगेगी? नहीं ना। उस क्लासरूम के अंदर क्या होगा कि बच्चों के सारे टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे, तो उनको क्लियर कराने के लिए आपको कुछ चीज़ें भी उन्हें दिखानी पड़ेगी। और अगर आप सिर्फ लेक्चर देंगे एज अ टीचर, तो इससे बच्चे बोर भी हो जाएंगे, उनका इंटरेस्ट भी आपकी क्लास में कम हो जाएगा। तो अगर आपको एज अ टीचर बच्चों को अपनी क्लास से कनेक्ट करना है, उनका ध्यान अपनी तरफ करना है, लर्निंग को ईजी बनाना है, तो आपको कोई ना कोई टूल्स की नीड होगी। उन टूल्स की हेल्प से आप अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग इंगेजिंग बना सकते हो। तो आज हम उन्हीं टूल्स के बारे में बात करेंगे। आज हम टीचिंग एड्स के बारे में बात करेंगे। ये टीचिंग एड वही टूल होते हैं जो आपकी क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अ टीचिंग एड इज़ एनी थिंग यूज्ड बाई अ टीचर टू हैव टीच अ लेसन और मेक इट मोर इंटरेस्टिंग टू स्टूडेंट। तो टीचिंग एड किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि पिक्चर्स, वीडियोस, चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स एंड ऑब्जेक्ट्स लाइक 3D मॉडल्स और एजुकेशनल टॉयज। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू रिगार्डिंग टीचिंग एड्स। फर्स्ट आई वुड लाइक टू पुट वन कोटेशन विच आई बिलीव इन लाइफ। टेल मी आई फॉरगेट, शो मी आई रिमेंबर, इन्वॉल्व मी आई अंडरस्टैंड। जिसका मतलब है कि अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं भूल जाऊँगा या भूल जाऊँगी, तुम मुझे दिखाओगे तो मुझे याद रहेगा, बट अगर तुम मुझे इन्वॉल्व करोगे उस चीज़ में तो वो मुझे समझ आएगी चीज़। सो टीचिंग एड्स वो मटेरियल होते हैं या वो टूल्स होते हैं जो क्लासरूम टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और मेन पर्पज़ क्या होता है टीचिंग एड का, कि वो सप्लीमेंट करता है नॉर्मल टीचिंग को। नॉर्मल टीचिंग जहाँ पर टीचर लेक्चर दे के जा रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, एक वन वे प्रोसेस चल रहा है, तो उसको सप्लीमेंट करता है, उसमें और चीज़ें ऐड करता है ताकि वो और इंटरेक्टिव बने, टू वे प्रोसेस बने, और ज़्यादा बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो और पार्टिसिपेशन उनका अच्छा हो। अब बात करें कि क्या इंपॉर्टेंस होती है टीचिंग एड्स की। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है सेंसेस का। सेंसेस होती है जो ह्यूमन बॉडी की, टच, साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, तो उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इसी के थ्रू होता है। बच्चे पूरा इन्वॉल्व होते हैं जब वो TLM या टीचिंग एड्स इनको देखते हैं, उन्हें टच करके, फील करके, जैसे 3D मॉडल्स है उसमें सारी चीज़ उन्हें क्लियर दिखाई देती है। और इससे क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में उनकी चीज़ें चली जाती हैं क्योंकि उन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया होता है। इससे क्या होता है, बच्चों की अटेंशन को आप इजीली ग्रैब कर सकते हो। जैसे अगर आप क्लासरूम में गए, बच्चे किसी और काम में इंगेज है, आप पर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन अगर आप कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग एड लेकर गए, जैसे आप हार्ट का कोई चार्ट ले गए या 3D मॉडल लेके गए, तो बच्चे देखने लगते हैं कि टीचर क्या लेके आए हैं, तो उनका पूरा ध्यान उस चीज़ पर हो जाता है कि आज क्लासरूम काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि कुछ ना कुछ टीचर लेके आए हैं, वो हमें दिखाएंगे, हमको आज कोई एक्टिविटी करेंगे, तो उनके मन में ये चीज़ें आती हैं, मोटिवेशन पार इंक्रीज होती है, उनका मोटिवेशन बढ़ता है पढ़ाई के रिगार्डिंग। वो कुछ चीज़ें देखते हैं, फिर उन्हें वो उसको एवरीडे लाइफ से रिलेट करते हैं और उन्हें और नया सीखने की क्यूरियोसिटी भी उनके अंदर इससे इंक्रीज़ होती है। आप इससे टाइम और एनर्जी भी सेव कर सकते हो, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट को अगर आप ब्लैक बोर्ड पर बता रहे हो या एज अ लेक्चर मेथड बता रहे हो, उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप बच्चों को चीज़ें दिखा दोगे तो बच्चे बहुत जल्दी उससे समझ जाएंगे और उससे उनकी बिल्कुल एक एक पॉइंट की क्लियरिटी अच्छे से हो जाएगी। एक हेल्दी क्लासरूम इंटरेक्शन को बढ़ाता है, इसमें आप नई नई एक्टिविटीज़ कर सकते हो, आप एक ही टीचिंग एड के थ्रू बहुत सारे कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखा सकते हो। और ये बेस्ड है मैगजीम्स ऑफ टीचिंग पे। मैगजीम ऑफ टीचिंग यानी कि आप वो अप्रोच लेके चल सकते हो, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नॉन टू अननोन, होल टू पार्ट, यानी इंडक्टिव अप्रोच से आप बच्चों को बता सकते हो, खुद डिस्कवर करेंगे, उनकी लर्निंग खुद से हो जाएगी इससे। इसमें वैरायटी आप देखोगे, ये वैरायटी को भी बढ़ाता है, एक ही चीज़ से कई चीज़ें सीख लेना। और इससे क्या होगा, अगर आप कोई TLM या टीचिंग एड लेके जा रहे हो, वो काफ़ी इकोनॉमिकल है और आप उसको, एक चीज़ क्या है कि नो कॉस्ट, लो कॉस्ट आप उसको बनाओगे, एक लो कॉस्ट में आपको ये बनाना चाहिए, तो लो कॉस्ट में बनाओगे तो बच्चे भी उसको देख के फिर वो भी ट्राई करेंगे अलग अलग चीज़ें बनाने का। तो आप उनको एज असाइनमेंट भी दे सकते हो ये सारी चीज़ें, जैसे आप क्ले से कोई चीज़ बनाओ तो बच्चे भी फिर उसमें इन्वॉल्व होंगे, वो भी बनाएंगे। बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड की, तो ये किस ये बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे ऑडियो एड्स होते हैं, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स भी होते हैं, और एक्टिविटी एड्स होते हैं। सबसे पहले बात करें ऑडियो एड्स की, तो इसमें रेडियो, टेप रिकॉर्डर, मोबाइल। बात करें रेडियो, टेप रिकॉर्डर की, तो इनका अभी 21st सेंचुरी में ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन आप मोबाइल का यूज़ कर सकते हो, ये एक बहुत अच्छा टीचिंग एड हो सकता है।
रेडियो की या टेप रिकॉर्डर की बात करें तो पहले टाइम में क्या होता था क्लासरूम के अंदर ही, जैसे आकाशवाणी लगा दी, उसमें न्यूज़ बच्चों को सुना दी, जैसे उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करनी है, उनकी लैंग्वेज अच्छी करनी है तो बच्चे उसको सुनेंगे, फिर वो प्रोनंसिएशन उसको समझेंगे और फिर वो भी आपस में इस तरह कम्युनिकेट करेंगे। तो ये बहुत अच्छा टीचिंग, ऑडियो एड्स जो है बहुत अच्छा टीचिंग एड हो सकता था बच्चों के लिए या होता था। और बात करें टेप रिकॉर्डर की, तो आजकल तो मोबाइल में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे बच्चे ने कोई पोएम आपको सुनाई आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, वो खुद से सुन के भी देख सकते हो कि मैं कहाँ पे मुझे बच्चे की इम्प्रूवमेंट करना है, क्योंकि एट द इंस्टेंट आप नहीं समझ पाए बच्चे ने कहाँ पर क्या कमी की है, तो आप बाद में रिकॉर्ड में सुन सकते हो और बच्चे को भी वो चीज़ें सुना सकते हो, वो भी समझेगा कि उसकी कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ उसे इम्प्रूवमेंट की नीड है। मोबाइल से तो आपको पता है हम बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं, आजकल यूट्यूब्स पर बच्चों को वीडियोस दिखा सकते हैं, एनिमेशंस दिखा सकते हैं, 3D मॉडल्स दिखा सकते हैं, कोई प्रॉपर वीडियो भी उनको दिखा सकते हैं, कोई फिल्म दिखा सकते हैं उससे रिलेटेड। तो ये रहा उस टाइम पर, इस तरह के टेप रिकॉर्डर यूज़ होते थे पहले टाइम में एज अ टीचिंग एड। और जैसे मोबाइल की बात करें आप, जो है वो जैसे व्हाट्सअप है, इस पर भी कोई रिकॉर्ड करके बच्चों को ही बोल सकते हो कि आपको एक पोएम भेजनी है या कोई पैरा आपको रीड करके भेजना है, तो इससे इनकी रीडिंग स्किल ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। और आप जैसे साउंड का कॉन्सेप्ट उन्हें इस चीज़ से बता सकते हो कि अगर आप स्लो बोलते हो तो वेव्स भी आपकी छोटी बनेगी, इससे एम्पलीट्यूड उन्हें बता सकते हो, फ्रीक्वेंसी बता सकते हो, ये सारी चीज़ें उन्हें बता सकते हो मोबाइल के थ्रू। देखिए आप कितना कुछ कर सकते हो। विजुअल एड्स की बात करें तो हमें पता है चॉकबोर्ड बहुत अच्छा टीचिंग एड होता है। सबसे पहले अगर हम क्लासरूम के अंदर जाते हैं और बच्चों को आपको कनेक्ट करना है तो बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो या चॉकबोर्ड जो, वो काफ़ी अच्छा एड माना जाता है, उससे इजीली आप बच्चों को कनेक्ट कर सकते हो। और डिस्प्ले बोर्ड्स आ गए हैं, चार्ट्स के थ्रू कर सकते हो, पिक्चर्स दिखा सकते हो, ग्राफ्स, स्लाइड्स, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं, मॉडल्स दिखा सकते हो, एक वर्किंग मॉडल्स आते हैं, 3D मॉडल्स आते हैं, ये सारे। और कोई फिल्म, कार्टून स्ट्रिप दिखा सकते हो, कार्टून जो बच्चों को देखना भी पसंद होते हैं। और न्यूज़पेपर भी एक काफ़ी अच्छा सोर्स माना जाता है, न्यूज़पेपर के थ्रू भी आप बहुत सारी जो लर्निंग है उसको इजी कर सकते हो। न्यूज़पेपर में आप बच्चों को पैरा पढ़ने के लिए दे सकते हो, उनके कॉम्प्रिहेंशन चेक कर सकते हो, और जैसे आप बोल सकते हो कि आपको एक पैरा पढ़ना है और उसको कैप्शन देना है, तो इससे क्या होगा बच्चे स्कैन करके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उसको पैरा देंगे, तो एक्टिविटी इंगेजिंग भी होगी और उनकी लर्निंग भी अच्छी होगी। देखिए चॉक बोर्ड है तो आप क्या कर सकते हो, चॉक से इस तरह का डायग्राम बना सकते हो, जर्मिनेशन ऑफ सीड यहाँ पर बताया गया है, तो इस तरह डायग्राम बनाओगे तो बच्चों को क्लियरली समझ में आएगा। इसमें फिर भी थोड़ा हम बोल सकते हैं कि कुछ कमी है, कलर्स नहीं है, कलर्स होंगे तो ये काफ़ी और इफ़ेक्टिव बनेगा। तो डिस्प्ले बोर्ड्स आप देख सकते हो कि कोई भी हार्ड टॉपिक है वो आपने डिस्प्ले बोर्ड पे लगवा दिया, बच्चों से बनवा दिया कुछ चीज़ें, या इस तरह कनेक्ट करके फ्लोर डायग्राम आप इस पर बना सकते हो, काफ़ी चीज़ें आप क्लासरूम के अंदर डिस्प्ले बोर्ड का इस तरह एज अ TLM या टीचिंग एड यूज़ हो सकता है। चार्ट्स देखिए, इस तरह के चार्ट्स प्रिपेयर हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर ये पूरा डायग्राम है, इसमें अलग अलग करके दिखाया गया है। राइट साइड में देखिए एकदम एक एक चीज़ क्लियर है। तो बात करते हैं कि ये चीज़, ये डायग्राम या फिर जो इनमें लिखा हुआ है ये सब बुक में भी अवेलेबल होता है, तो फिर हमें ये चार्ट्स ले जाने की क्या ज़रूरत है क्लासरूम के अंदर। तो देखिए बुक में चीज़ें होती है, बुक की हो सकता है कभी कभी लैंग्वेज टिपिकल हो, आप इजी लैंग्वेज में लिख के लेके जाओ, या हो सकता है कि होता है कभी कभी NCERT बुक्स में डायग्राम काफ़ी टिपिकल होते हैं, तो आप डायग्राम को इजी बना के इस तरह एक चार्ट प्रिपेयर करके ले जा सकते हो, और चार्ट का साइज भी या जो डायग्राम है उसका साइज भी इतना हो कि जो लास्ट बेंच में बच्चा है उसको भी क्लियर दिखे, वो ज़्यादा बड़ा ना हो और ज़्यादा छोटा भी ना हो, सभी बच्चों को क्लियरली इक्वली वो विजिबल हो। तो देखिए इस तरह जैसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं तो बच्चे इस तरह बना सकते हैं, प्रैक्टिसेस दिखाई, फिर अगर उनको आप ओपन करोगे तो उसमें फ़ोटोज लगा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें एज अ टीचिंग एड यूज़ हो सकती है। ग्राफ्स के थ्रू भी आप बता सकते हो, कोई बड़ा डाटा है बच्चों क्लियर नहीं है तो आप ग्राफ बना सकते हो वहाँ पर, वो इजीली ग्राफ के थ्रू काफ़ी इजी वे में हम उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। स्लाइड्स देखिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जैसे अभी भी एक स्लाइड के थ्रू आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो इस तरह ऑनलाइन टीचिंग में काफ़ी हेल्पफुल होती है। मॉडल्स देखिए, जैसे विंड मिलकर मॉडल है, 3D मॉडल है, इस तरह के मॉडल आप बना सकते हो, ये काफ़ी अच्छे टीचिंग एड हो सकते हैं। न्यूज़पेपर देखिए, जैसे ग्रीन हाउस हेल्प्स फर्स्ट ग्रेडर्स स्टडी ग्लोबल वार्मिंग, फर्स्ट ग्रेडर्स को किस तरह ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बच्चों ने न्यूज़पेपर से सीखा,
तो न्यूज़पेपर की कटिंग को इस तरह की कटिंग्स क्लासरूम के अंदर ले जाई जा सकती है और बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करें अलग अलग कटिंग को, वो उनको पढ़े। इस तरह आप काफ़ी कॉन्सेप्ट उनको क्लियर करा सकते हो। इससे लैंग्वेज में भी इम्प्रूवमेंट होगा, उनकी लर्निंग भी अच्छी होगी। देखिए फिल्म कार्टून स्ट्रिप, तो इस तरह कार्टून्स होंगे, बच्चों को हम बोल सकते हैं कि आप इससे एक स्टोरी फॉर्म करो। जैसे अभी COVID-19 का टाइम चल रहा है तो कोरोना को लेकर इस तरह के कार्टून्स बनाए जा सकते हैं। फिर बच्चों से बोलना, बच्चे उससे अलग अलग स्टोरी फॉर्म करेंगे, तो इससे उनकी काफ़ी स्किल्स भी इम्प्रूव होगी, ऑब्जर्वेशन पावर इंक्रीज होगी, स्टोरी फॉर्मेशन उन्हें पता चलेगी और इंगेजिंग तो क्लास होएगी और इंटरेस्टिंग भी। इस तरह ऑडियो विजुअल एड्स हो सकते हैं, फिल्म, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इनका भी यूज़ होता है टीचिंग एड में। फिल्म जैसे यहाँ पे एक फिल्म है माइक्रोकॉस्मोस, तो इफ़ यू आर अडल्ट लवर ऑफ नेचर देन माइक्रोकॉस्मोस कैन एक्साइट यू इन मोर वेज देन यू कैन इमेजिन। इसके अंदर क्या है, एक डॉक्यूमेंट्री है जहाँ पर लाइफ दिखाई गई इंसेक्ट्स की, पॉन्ड्स के अंदर, मिडोव्स के अंदर, तो स्टूडेंट क्या है इंजॉय करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है 15 ईयर्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च करके दिखाई गई है चीज़ें। तो अगर बच्चे इनमें देखेंगे, इन डॉक्यूमेंट्री के थ्रू देखेंगे, जैसे इसके अंदर हनी बीज का साइकिल पूरा दिखाया गया है, तो इससे क्या है वो उन्होंने वो चीज़ देखी हुई है तो उनको काफ़ी टाइम तक याद भी रहेगी। और जैसे इसमें क्या है साइंटिफिक रिसर्च की गई है 15 ईयर्स तक, तो वो उनके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है अगर वो उस चीज़ को देखेंगे, किस तरह रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह स्पाइडर अपने प्रे को कैच करते हैं, ये सारी चीज़ें ये फिल्म्स के थ्रू आप दिखा सकते हो। बहुत सारी एजुकेशनल मूवीज़ बनती है, वो दिखा सकते हो। एक्टिविटी एड्स में बच्चों को हम फील्ड ट्रिप्स करा सकते हैं या कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, ये भी हेल्पफुल होते हैं। और फिल्म टिप्स में जैसे कि उनको अगर आपको हिस्ट्री पढ़ानी है तो आप उन्हें अगर ताजमहल या कुछ भी हुमायूं टॉम इस काफ़ी जगह पे उन्हें घुमा सकते हो, वहाँ पे उन्हें असाइनमेंट दे सकते हो कि आप इस जगह के बारे में लिखिए, इसे किसने बनाया है और ये कब कब बनाई गई या इससे किस चीज़ों से बनाया गया है, क्या क्या की कंट्रोवर्सी रही है, बहुत सारी चीज़ें। तो इससे क्या है वो घूमेंगे, उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। और वहाँ पे क्या है कि अगर वो देखने गए हैं, एक होता है नॉर्मल हम देखने जाना और एक होता है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना, तभी वो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, अपना वर्क भी कंप्लीट करेंगे। तो ये चीज़ें वहाँ पे हो सकती है। अब बात करें तो आप अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट से कैसे एक्टिविटी करा सकते हो, कैसे बच्चों को बता सकते हो। जैसे अगर आप क्लासरूम के अंदर गए तो टीचिंग एड के रूप में सबसे बड़ा टीचिंग एड एक टीचर ही होता है। आप अपने पाम को, अपने हैंड को, बहुत सारी चीज़ों को टीचिंग एड बना सकते हो। जैसे अगर आपको ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या ओपेक का एग्जांपल बताना है तो आप अपनी पाम को ओपेक के एग्जांपल में सेट कर सकते हो, या जो आपने कोई स्पेक्स लगाए हैं तो लेंस को एज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम के रूप में बता सकते हो बच्चों को। इस तरह क्लासरूम की विंडो, फैन, हर एक चीज़ टीचिंग एड होती है। तो आसपास के इन्वायरमेंट, इमीडिएट इन्वायरमेंट से आप ट्राई करो कि आप एक टीचिंग एड बना पाओ। जैसे बाईसाइकिल का कोई टायर है उससे फ्रिक्शन, गियर्स, लेवर्स, ये सारी चीज़ हम समझा सकते हैं। सीमेंटेड सरफेस, पेव्ड सरफेस या ग्रास, इनसे हम फ्रिक्शन, हीट एब्जॉर्प्शन पढ़ा सकते हैं। स्लाइड से हम ग्रेविटी, फ्रिक्शन, स्विंग से ऑसिलेटरी मोशन आप बता सकते हो, या आप एक धागे से रबड़ को बांध सकते हो उससे आप ऑसिलेटरी मोशन बना सकते हो। काफ़ी इकोनॉमिकल भी होगा और बच्चे ऐसा करते रहते हैं। मैरी गो राउंड आप खिला सकते हो बच्चों को, इससे फोर्स के बारे में उन्हें पढ़ा सकते हो। इलेक्ट्रिक फैन तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है कि आप उन्हें बता पाओ, रोटेटरी मोशन उन्हें बता पाओ, सर्कुलर मोशन उन्हें बता पाओ और कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये सारी चीज़ें। और जैसे पोल, पूल, पोंड, रिवर, ये सब होता है आसपास स्कूल के। स्कूल के अंदर भी स्विमिंग पूल आजकल होते हैं, तो उनमें आप बयंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इकोसिस्टम, ये सारी चीज़ें बच्चों को पढ़ा सकते हो। बाकी स्टार्स को देखने से कॉन्स्टिलेशन का कॉन्सेप्ट, रेनबो अगर है तो रेनबो से आप उन्हें रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लाउड्स के थ्रू आप वाटर साइकिल, बहुत सारी चीज़ें, प्रोजेक्टाइल्स दिखा सकते हो, कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, जितनी भी मशीन्स हमारे आसपास होगी उनके थ्रू आप बता सकते हो। तो देखिए कितनी सारी हम अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट से टीचिंग एड बना सकते हैं, कितनी अच्छी अच्छी एक्टिविटी बच्चों को करा सकते हैं। देखिए फील्ड ट्रिप भी ये लर्निंग को रियलिस्टिक, कॉन्क्रीट और इंटरेस्टिंग बनाती है। लर्नर को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो कुछ चीज़ें डिस्कवर करे, कनेक्ट कर पाए अपने इन्वायरमेंट से, और ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट को टू क्रिएट नॉलेज बाय फिगरिंग आउट द कंपोनेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, पीपल, कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीज़ों से कि वो अपनी नॉलेज को खुद क्रिएट कर पाए।
फील्ड विजिट रिसोर्सेज भी देखिए, यहाँ पे आप कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे ले जा सकते हो। साइंस म्यूजियम में बच्चे कितना इंजॉय करते हैं, वहाँ पे मैजिक होता है उसके अंदर, तो वो चीज़ें दिखा सकते हो। प्लानिटेरियम्स में ले जा सकता है, अगर आप सोलर सिस्टम ऐसा कोई टॉपिक उन्हें पढ़ा रहे हो, जंतर मंतर सनडायल्स के लिए या नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी स्टैंडर्ड ऑफ टाइम पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर क्या है पूरा टाइम, जैसे अगर एक बचा उसका 13 वहाँ पे दिखाई देगा, तो ये चीज़ें। और जैसे आप कोई टिकट भी ले जा सकते हो, रेलवे टिकट ले जा सकते हो, वो भी TLM हो आपका, हो सकता है टीचिंग एड हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर टाइमिंग बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है। रेल का टिकट नहीं, आप रेल का टाइम टेबल बच्चों को दिखा सकते हो, उससे टाइम टेबल कैसे बनाया है या टाइम टेबल को कैसे पढ़ना होता है, ये सारी चीज़ें वो जानेंगे। हॉस्पिटल्स में उन्हें दिखा सकते हो मिरर्स यूजिंग फॉर एग्जाम, ईयर नोज थ्रोट टीथ अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी फील्ड रिसोर्स विजिट में, फील्ड विजिट रिसोर्सेज में। यदि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस भी आप बच्चों को करा सकते हो। सो आज हमने जाना कि टीचिंग एड्स क्या होते हैं, इनके ये क्यों क्या हमें इनकी नीड है, और ये क्यों कैसे क्लासरूम को जो है वो इंटरेस्टिंग इंगेजिंग बना पाते हैं। तो आज की ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।